दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। डीए यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। एक बार फिर से 15% तक इजाफा किया गया। सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। देखिए आप, पांचवे और छठे वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का ये डीए बढ़ाया गया और अब इन्हें देखिए आप दिसंबर महीने से ही 9 से लेकर 15% तक बढ़कर सैलरी मिलेगी। आइए ऐसे में देखते हैं कि आखिर 9 से 15% तक में किन किन कर्मचारियों का कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। और इतना ही नहीं, जुलाई और नवंबर के बीच का एरियर भी दिया जाएगा। ये भी केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया चुनावी माहौल के बीच। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSE में काम कर रहे इन कर्मचारियों की डीए में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। इन कर्मचारियों के लिए डीए में 15 से 18% तक का भी इजाफा किया गया कई सारे एम्प्लॉइज के लिए, जिससे इनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी देखिए जरा। वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया इस संबंध में घोषणा करते हुए। वैसे दोस्तों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, हर 6 महीने में उनका डीए बढ़ता है। डीए सैलरी का ही जो मेन सैलरी होती है उसका ही एक हिस्सा होता है डेडनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग सरकार भी हर 6 महीने बाद डीए को रिवाइज करती है। ये बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंटेज होता है जो कि महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए जारी करती है। अब देखिए, समझिए जरा किस किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कितना बढ़ोतरी की गई डीए में। पांचवे वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी हुई। CDA पैटर्न पे स्केल पर पांचवे वेतन आयोग के तहत CPSE कर्मचारियों के वेतन में ये इजाफा किया है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले वे कर्मचारी जिन्होंने 50% डीए मर्जर का लाभ नहीं दिया, उनके डीए को 462% से बढ़ाकर 477% कर दिया गया। और दूसरी कैटेगरी में जो 50% डीए मर्जर का लाभ ले चुके हैं, ऐसे कर्मचारी जिनका डीए 412% से बढ़ाकर 427% कर दिया गया। अब देखिए, छठे वेतन आयोग के तहत डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि छठे वेतन आयोग के पूर्व संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन पाने वाले CPSE के कर्मचारियों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 212% से बढ़ाकर 230% कर दिया, यानी इसमें लगभग 18% की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7,000 रुपए तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। और इससे पहले सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा था। आपको बताओ, 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से पिछले महीने 4% डीए बढ़ाकर 46% कर दिया था। इसका सीधा फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को हुआ। तो उन कर्मचारियों को तो नवंबर से ही बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा, और अभी जो ये डीए में बढ़ोतरी की गई है, इन कर्मचारियों के लिए दिसंबर से सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। अब ये डीए बढ़ने के बाद कितना फायदा होगा कर्मचारियों को, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यहां दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जांपल के साथ में मैंने दे रखा है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझिए। उदाहरण के तौर पर अगर 10,000 रुपए सैलरी है और ग्रेड पे 1,000 रुपए है, दोनों को टोटल जोड़ने पर 11,000 रुपए हुए। 11,000 रुपए का 46% निकाला तो 5,060 रुपए, सबको जोड़ा तो 16,060 रुपए हुए। और इसी तरह से 42% के हिसाब से निकाला जाए तो 15,620 होता है। यानी 4% डीए बढ़ने के बाद हर महीने कर्मचारियों को इतनी बेसिक सैलरी में भी 420 रुपए का फायदा होता है। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया मैंने। और इसी तरह से डीए के कैलकुलेशन, महंगाई भत्ते की गणना किस तरह से की जाती है, जिसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।